जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी कि फिजिक्स एक्स ग्रुप फिजिक्स के लिए चैप्टर फर्स्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, मुक्त आवेश की परावैद्युतता होती है। तो इसका आंसर होगा 8.85 × 10⁻²⁰ फैराडे, जो कि फैराडे में होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर होगा संरक्षित स्थिर विद्युत क्षेत्र। अगला है, एक आवेशित चालक की तरह एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है। तो वो जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सतह के लंबवत होती है। अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है वो ऊर्जा का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत में किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये जो है वो केवल घर्षण विधि से ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब वस्तु ऋण आवेशित होती है तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है। अगला प्रश्न है, कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटिकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था। तो मिलिकॉन जो है उन्होंने आवेश का क्वांटिकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ऋण आवेशित होने का अर्थ है। तो कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अर्जित करना। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो वो जो है वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। अगला है, यदि गोले पर आवेश 10 μc हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो जो होगा वो 36 π × 10⁻²⁰ पर कूलाम होगा। यदि एक द्रव्य बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। अगला है, एप्सिलॉन नॉट का अर्थ मात्रक होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो फैराडे प्रति मीटर होता है। अगला है, क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए। तो बुलबुले की जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। तो समविभवी जो तल है वो वाई जेड तल में होगा। अगला है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻¹⁸ होती है। अगला प्रश्न है, मुक्त आवेश का विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो ये होता है C²(n-1)(m-2)। अगला है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश जो है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं तो उन पर लगने वाला विद्युत बल परिणाम में बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा सूत्र है। तो इसका आंसर होगा MLTA। आबनोस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो ऋण आवेश जो है वो उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल हो जाएगा। तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो 1/4 × हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो ये जो होगा वो σ/2ε₀ होगा। अगला प्रश्न है, स्थिर कूलाम इक्वल टू, तो ये जो होगा वो 10⁻³⁹ होगा। कूलाम बल एक, तो कूलाम बल जो होता है वो केंद्रीय बल तथा विद्युत बल होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो है वो 1.8 × 10⁻¹⁰ कैलोरी पर किलोग्राम होता है। अगला है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान तो क्या होता है। तो वो जो द्रव्यमान है वो बढ़िया घट जाता है जब वस्तु को आवेशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान वो तो समविभव होगा। तो वो जो होगा वो वाई जेड तल की दिशा में होगा। अगला है, विद्युत आवेश का क्वांटम यानी कि ESU मात्रक में होता है। तो 4.78 × 10⁻¹⁰ अगला है, एकांकी चालक के लिए स्थिर अनुपात स्थिर रहता है। तो इसका आंसर होगा कुल आवेश बटा विभव। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो जो था वो एक्स ग्रुप की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का वीडियो था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स के
चैप्टर फर्स्ट से थे, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर टू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।